सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीयां खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो ते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। हाई कोर्ट दी पंजाब सरकार नू फिटकार, हुण किसान अंदोलन ते की होएगा कैप्टन दा रुख। जी हां, दस दईए कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने किसान अंदोलन कारण रेल ते सड़क आवाजाई रोकण ते पंजाब सरकार खिलाफ सख्त टिप्पणी कीती है। हाई कोर्ट ने इस संबंधी दायर पटीशन ते सुनवाई करदिआं कहा कि जेकर पंजाब सरकार कानून व्यवस्था संभालण विच नाकाम है तां कोर्ट इस मामले विच हुक्म पास करे। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा दी बेंच ने कहा कि उन्हां कोर्ट हुक्म जारी करदिया लिख देवे कि पंजाब सरकार संविधान दे मुताबक चलण विच नाकाम है। इस दे नाल ही हाई कोर्ट ने केंद्र अते पंजाब सरकार नूं निर्देश दित्ते कि इस समस्या दा हल कढ़न दी कोशिश करन। कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं निर्देश दित्ता कि अगली सुनवाई ते रेल अते सड़क मार्ग खोलण लई कीती गई सारी कारवाई दी जानकारी उपलब्ध कराउण। मामले दी अगली सुनवाई 18 नवंबर नूं होवेगी। इस तों पहलां सुनवाई दौरान पंजाब सरकार वल्लों कोर्ट नूं दस्सिया कि करीब सारे रेलवे ट्रैक खाली कर दिते गए हन। केंद्र सरकार दे वकील सत्यापाल जैन ने कहा कि पंजाब विच अजे भी 4 रेलवे ट्रैक अते 29 रेलवे प्लेटफार्म अंदोलनकारी किसानां दे कब्जे विच हन। दिन दुगनी रात चौगुनी वधदी लीडरां दी कमाई, करप्शन इंडेक्स विच 80वें नंबर ते भारत। जी हां, दस दईए कि भारत विच सियासत सब तों शानदार निवेश मन्निया जांदा है। भारत विच हुण तक सियासत दे दो पहलू हन, आदमी पैसे वाला होवे तां आसानी नाल लीडर बन सकदा है ते जेकर पैसे वाला ना होवे तां लीडर बनन तों बाद सौखियां ही पैसे कमा सकदा है। बिहार विच कल पहले गेड़ दीयां वोटां पईयां। पहले गेड़ विच 1066 विचों 376 यानी 35% करोड़पति उम्मीदवार हन। एक उम्मीदवार दी औसत संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए है। ब्रिटेन दे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नू 1 साल विच 1.40 करोड़ सैलरी मिलदी है। उस तो ज्यादा दी औसत जायदाद तां बिहार विधानसभा चोणां दे उम्मीदवार दी है। सियासत विच लीडरां दी जायदाद दिन दुगनी रात चौगुनी गति नाल वधदी है। साल 2019 विच दोबारा लोकसभा चोणां लड़न वेले बीजेपी दे 170 संसद मैंबरां दी जायदाद औसतन 13 करोड़ तों 17 करोड़ रुपए तक वधी। 5 सालां विच श्रोमणी अकाली दल दे 2 संसद मैंबरां दी संपत्ति औसतन 115 करोड़ रुपए तक वध गई। इस तरह एनसीपी दे 4 संसद मैंबरां दी जायदाद 102 करोड़ रुपए तक वधी ते कांग्रेस दे 38% संसद मैंबरां दी संपत्ति विच औसतन 60 करोड़ दा वाधा देखण नूं मिलिया। हरसिमरत बादल दा कैप्टन ते मोदी ते निशाना, दोस्ताना मैच खेडण दे लाए दोष। जी हां, दस दईए कि साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उपर केंद्र दी मोदी सरकार नाल मिले होण दा दोष लगाउंदिआं सवाल कीता कि श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल वल्लों पुछे 4 सवालां दे जवाब देण तों ओह क्यों भज रहे हन। अज इत्थे एम्स विच रेडियो डायग्नोसिस विंग दे उद्घाटनी समागम तों बाद पत्रकारां नाल गल्लबात कर श्रीमती बादल ने केंद्र सरकार नूं सूबियां ते वधे होए वित्तीय भार दे मद्देनजर सूबियां दा हिस्सा 42 तों वधा के 52% करन लई कहा। इक सवाल दे जवाब विच उन्हां केंद्र वल्लों पंजाब विच माल गड्डियां मुड़ बंद करन बारे कहा कि रोस मुजाहरे कर रहे किसानां ने माल गड्डियां वास्ते रेल लाइनां खाली कर दित्तियां हन, पर केंद्र सरकार माल गड्डियां दी सेवा मुड़ शुरू नहीं कर रही, जिस दा मतलब ओह संवेदनशील सरहदी सूबे दे अर्थचारे नूं खड़ोत विच लिया रही है ते इस नाल अर्थचारे दा भी नुकसान होया है। कांग्रेस सरकार केरला दे राह चले ते फलां ते सब्जियां लई MSP ऐलाने बिक्रम मजीठिया। जी हां, दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल ने अज पंजाब सरकार नूं आखिया कि ओह केरला दे राह ते चले अते ताजे फलां ते सब्जियां लई घट्टो घट्ट समर्थन मुल दा ऐलान करे तां जो खेतीबाड़ी नूं हुलारा मिल सके अते इस तों इलावा जिहड़ियां फसलां लई केंद्र ने MSP दा ऐलान कीता उन्हां दी सरकारी खरीद यकीनी बनाई जावे। इत्थे जारी कीते इक बयान विच साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने
कहा कि पंजाब दी कांग्रेस सरकार नू 1 नवंबर नू सूबे दे स्थापना दिवस दे उसे तरीके स्कीम शुरू करनी चाहिदी है जिवें ही हाल ही विच केरला सरकार ने कीता। बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि इस कदम नाल सूबे दे किसानां नू फसल वाधू होण ते कीमतां विच गिरावट तो सुरक्षा मिलेगी अते इस नाल फसली विभिन्नता नू भी हुलारा मिलेगा। उन्हां कहा कि इस दे नाल नाल राज सरकार नरमे ते मक्की समेत सारियां MSP वालियां फसलां दी सरकारी एजेंसियां तो खरीद यकीनी बनावे। पंजाब दे इस पिंड विच नौजवानां वल्लों भगवंत मान दा विरोध, किते इह तिखे सवाल। जी हां, दस दईए कि किसानी मुद्दियां नूं लै के पंजाब विच सियासत गरमाई होई है। उत्थे किसानां अते आम आदमी पार्टी दे वर्करां नाल रूबरू होण लई आम आदमी पार्टी प्रधान भगवंत मान मोगा पिंड रणसी कला पुजे। इत्थे नौजवानां ने उन्हां दा विरोध किया ते तिखे सवाल किते। भगवंत मान ने नरम लहजे नाल नौजवानां दे सवालां दा जवाब दिता। इस तों बाद विच भगवंत मान मोगा दे रेस्ट हाउस पुजे, जिथे उन्हां ने जिले दी प्रेस नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती। प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा, जो केंद्र सरकार ने धमकी दे रूप विच रेलां रोकण दी धमकी दित्ती, अजिही धमकी इक देश दूसरे देश नूं दिंदा, पर पहली वार होया जदों साडे देश दा प्रधानमंत्री अपने देश दे सूबिआं उपर पाबंदियां लगा के धमकियां दे रिहा है। इस मौके भगवंत मान ने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं चाहीदा है कि ओह किसानां नूं अपील करन दी जगह देश दे प्रधानमंत्री नाल जाके गल करन। पंजाब विच मंडराया ब्लैकआउट दा खतरा, बाहरों बिजली खरीदन लगा पावरकॉम। जी हां, दस दईए कि किसान संघर्ष विचाले पंजाब ब्लैकआउट होण किनारे जा खड़िया है। इस खेती सुधार कानूनां दे विरोध विच पंजाब विच किसान अंदोलन सिखरां ते है। अजिहे विच केंद्र सरकार ने सूबे विच माल गड्डियां ते ब्रेक ला दित्ती। माल गड्डियां रुकण नाल पंजाब विच वड्डा कोला संकट खड़ा हो गया, जिस कारण पंजाब दे थर्मल प्लांट लगभग बंद हो गए हन। पावरकॉम हुण रोजाना करीब 1000 मेगावाट बिजली बाहरों खरीद रहा है। अज इत्थे गलबात करदिआं पावरकॉम चेयरमैन वेनू प्रसाद ने पंजाब सरकार तो 200 करोड़ रुपए की मंग की। चेयरमैन ने दसिया कि आने वाले दिनों विच पंजाब विच वड्डा संकट खड़ा हो सकता है। उन्हां दसिया कि भावे मुख्यमंत्री दी केंद्रीय रेल मंत्री नाल गलबात चल रही है, पर जेकर मसला छेती हल ना होया तां आने वाले दिनों विच पंजाब दी वड्डी परीख्या होवेगी। पंजाब विच 3704 अध्यापकां दी भर्ती खोली, इंज करो अप्लाई। जी हां, दस दईए कि अध्यापक बनन दे सुपने वेख रहे नौजवानां लई पंजाब विच नौकरियां हासिल करन दा सुनहरी मौका है। दरअसल पंजाब सरकार ने अध्यापकां दी भर्ती अधीन 3704 असामियां लई बंपर भर्ती कढ़ी है। इच्छुक ते योग उम्मीदवार अधिकारी एजुकेशन रिक्वायरमेंट board.com ते जाके अर्जी दे सकदे हन। उम्मीदवार भर्ती संबंधी वधेरे जानकारी हासिल करन लई अधिकारित वैबसाइट ते नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन विच भर्ती संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी दिती गई है। दस दईए कि SSA पंजाब मास्टर कैडर रिक्वायरमेंट 2020 तहत बिने प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अर्जी देण की आखिरी तरीक 3 नवंबर 2020 है। इस भर्ती प्रक्रिया तहत हिंदी अध्यापकों दीआं 200 असामियां, समाजिक अध्ययन अध्यापकों दीआं 204 असामियां, पंजाबी अध्यापकों दीआं 171 असामियां, गणित अध्यापकों दीआं 966 असामियां, विज्ञान अध्यापक दीआं 1207 असामियां, अंग्रेजी अध्यापक दीआं 956 असामियां अते कुल 3704 अध्यापक असामियां योग उम्मीदवारां दी भर्ती कीती जाएगी। कोरोना मुड़ के हैरवान, 24 घंटियां विच दुनिया भर विच 8 लाख तो ज्यादा केस, 12,000 मौतां। जी हां, दस दईए कि दुनिया भर विच कोरोना वायरस दे कुल मामले 4.5 करोड़ तो ज्यादा हो गए हन। कोरोना वायरस नाल हुण तक 11,78,000 लोकां दी मौत हो चुकी है। अमरीका कोरोना वायरस दे 99,19,836 केसां ते 2,33,130 मौतां नाल सब तो ज्यादा प्रभावित देश बन गया। वर्ल्ड मीटर दे मुताबिक पिछले 24 घंटिया विच दुनिया विच कोरोना वायरस दे करीब 8,34,000 मामले सामने आए ते 12,000 लोकां दी मौत हो गई। दुनिया भर विच हुण तक कोरोना दे 4,74,01,684 मामले सामने आ चुके हन।
उथे ही हुण तक 11,78,539 लोकां दी मौत हो गई। हुण तक 3,27,19,497 लोक ठीक होए हन। कोरोना वायरस दे वध रहे प्रकोप दरमियान कई देशां ने मुड़ तो लॉकडाउन लाउण दा ऐलान कर दिता है ते कई थाई लॉकडाउन लाउण बारे सोचिया जा रहा है। किसान अंदोलन बारे हाईकोर्ट ने मोदी ते कैप्टन सरकारा तो मंगी रिपोर्ट। जी हां, दस दईए कि पंजाब अंदर चल रहे किसान अंदोलन बारे पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब ते केंद्र सरकार तो स्टेटस रिपोर्ट मंगी है। इस रिपोर्ट विच एह पुछिया गया है कि पंजाब विच चल रहे किसान अंदोलन नु खत्म करन वास्ते दोवां सरकारा ने किसान जथेबंदियां नाल की गल कीती। बुधवार नु इस मामले विच हाईकोर्ट विच सुनवाई होई। किसानां वल्लों पेश होए वकील बलतेज सिंह ने दसिया कि केंद्र ते पंजाब सरकार ने अदालत विच कहा है कि दोवां ने किसानां नाल गल्लबात कीती। हुण इस मामले विच पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली तरीक तक दोनों तो स्टेटस रिपोर्ट मंगी है। हालांकि इस मामले विच अगली तरीक अजे कोर्ट ने तय नहीं कीती। मोदी जी देखियो किते पंजाब दे किसानां नूं देशद्रोही ना ठहरा दिओ जाखड़। जी हां, दस दईए कि अज पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे प्रधान ने अमृतसर दे हलका अजनाला दे कस्बा चमियारे दी रैली नूं संबोधन करदिआं केंद्र दी मोदी सरकार ते वरदिआं कहा कि मोदी जी किते पंजाब दे किसानां नूं देशद्रोही ना ठहरा देना। अमरीका वासियां ते इक होर मुसीबत, जारी होई तूफान दी चेतावनी। जी हां, दस दईए कि इस तरह प्रतीत हुंदा है कि कुदरती आफता नाल अमरीका दा गूढ़ा रिश्ता है। कोरोना वायरस जंगली अग्गां नाल जूझ रहे अमरीकी लोकां लई हुण इक नवे तूफान जीटा ने दस्तक दिती। इस तूफान विच 85 मील प्रति घंटे दी हवा चलदी है अते उम्मीद कीती जांदी है कि मैक्सिको दी खाड़ी दे पार एह होर वध सकदी है। लुसियाना मिसिसिपी दे कुछ हिस्से तूफान दीआं चेतावनियां दे अधीन हन। माहरां अनुसार एह तूफान इक जानलेवा तूफान है अते अधिकारियां ने लोकां नूं हड़ां ते होर खतरियां खिलाफ सावधानी वरतण दी अपील कीती। इस संबंध विच लुसियाना दे गवर्नर जोन बेल एडवर्डस ने राष्ट्रपति ट्रंप नूं संघी एमरजेंसी घोषणा करन लई कहा। अमरीकी तूफान केंद्र ने दस्सिया कि जीटा उत्तरी खाड़ी तट ते बुधवार दोपहर जां बुधवार दी रात दक्षण पूर्व पार करन तों पहलां वीरवार तड़के लैंडफॉल करेगा। इस दे नाल ही एडवर्डस ने सोमवार नूं एमरजेंसी दी घोषणा भी कीती। दोस्तो, जे तुहानू इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्सिओ, लाइक अते शेयर जरूर करिओ अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। धन्नवाद।